आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोरेनेस। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जो वीडियोस डाली हैं, उन वीडियोस में मैंने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोएल्केन्स सारे दिए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स डिस्कस किए हैं। और इससे पहले जो वीडियो दी है उसमें मैंने आपको बताया कि हैलोएल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, दैट इज प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोएल्केन्स। अभी जो चैप्टर का टॉपिक हमारा बनता है वो बनता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स। देखिए कौन सी रिएक्शंस हैलोएल्केन्स शो करते हैं। पहली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन हो जाती है हमारी हैलोएल्केन्स की। दूसरी रिएक्शन जो हैलोएल्केन्स शो करते हैं वो शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन जो हैलोएल्केन्स की हमने पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है रिएक्शन विद मेटल्स। हैलोएल्केन्स मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्शंस करते हैं, इस वीडियो में वन बाय वन हम ये तीनों रिएक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होती है हैलोएल्केन्स में। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने हैलोएल्केन्स में पढ़ी है। हैलोएल्केन्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हैलोएल्केन्स वहीं हैलोएल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लो रिएक्टिविटी शो करते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। तो हम सबसे पहले यही बात इस वीडियो में करते हैं कि हैलोएल्केन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी कम क्यों होती है, ठीक है। और ये बोर्ड का क्वेश्चन बनता है कि व्हाई हैलोएल्केन्स शो लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके लिए हमें यहां पे चार रीजन डिस्कस करने होते हैं, चार रीजन डिस्कस हम करते हैं। तो उनमें से देखिए पहला जो रीजन है, पहला रीजन हम जो डिस्कस करते हैं वो हमारा होता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट यहां अगर हम हैलोएल्केन्स के लिए बात करें तो हैलोएल्केन्स मैंने बताया आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हैलोएल्केन्स की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंटली रिएक्शन देते हैं, बहुत इजीली रिएक्शन देते हैं हैलोएल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर इसी के साथ हम बात करें कि जो हमारे पास हैलोएल्केन्स होते हैं दैट इज क्लोरोबेंजीन, अगर हम यहां पे फॉर एग्जांपल लें तो क्लोरोबेंजीन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लो रिएक्टिव क्यों हो जाता है, इसका पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए यहां पे रेजोनेंस होता है तो इसके लिखेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस तरह आप बना लीजिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन यहां पे हम देख रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, यही हम शो करते हैं। यहां फिर डिलोकलाइजेशन, क्लोरोबेंजीन के फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने दिखा रहे होते हैं, फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करता है क्लोरोबेंजीन या कोई भी हैलोबेंजीन इस तरह से। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं क्लोरोबेंजीन के। अब क्यों इस इफेक्ट की वजह से रेजोनेंस शो करने की वजह से जो क्लोरोबेंजीन है वो लेस रिएक्टिव हो जाता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप यहां देखिए, देखिए कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं,
कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ऐसा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं। लेकिन यहां अगर हैलोएल्केन्स में बात करें तो कार्बन और हैलोजन के बीच प्योर सिंगल बॉन्ड है, और हमने ये बात पता होती है कि जो सिंगल बॉन्ड है दे आर वीकर देन डबल बॉन्ड्स, इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो हैलोबेंजीन होते हैं वो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो रीजन हम यहां पे डिस्कस करते हैं, दूसरा जो रीजन यहां पे होता है वो रीजन होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे लेंगे हम, देखिए ये रीजन हमारा होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से अफेक्ट करता है कंपाउंड्स को, क्लोरोबेंजीन यहां पे ले लेते हैं और जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम चेक करते हैं दोनों कंपाउंड्स में, चाहे वो क्लोरो एल्केन है और चाहे वो क्लोरो बेंजीन है। यहां पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है और यहां पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यहां कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो s कैरेक्टर आता है वो आता है 25%, ये s कैरेक्टर है। यहां जो s कैरेक्टर आता है हमारा वो रहता है 33.33%, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में s कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब इस एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से क्या फर्क पड़ता है क्लोरोबेंजीन में, देखिए एस कैरेक्टर जब ज्यादा होते हैं किसी भी कार्बन एटम का तो वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जैसे ही ये कार्बन इस कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो कार्बन और हैलोजन, कार्बन और क्लोरीन के बीच बनने वाला बॉन्ड शॉर्टर हो जाता है, यानी कि यहां जो बॉन्ड है इसकी जो लेंथ है वो कम है, शॉर्टर बॉन्ड है, और यहां जो बॉन्ड है ये बॉन्ड लॉन्गर है, ठीक है। एंड वी नो दैट के शॉर्टर बॉन्ड्स आर वीकर आर स्ट्रॉन्गर देन लॉन्गर बॉन्ड्स, तो ये भी एक रीजन होता है हमारा कि यहां पे कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है और वो ब्रेक नहीं हो पाता। देखिए रेजोनेंस इफेक्ट में हमने शो किया कि जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है कार्बन हैलोजन के बीच, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमने शो किया कि यहां पे बॉन्ड की लेंथ यहां के कंपैरिजन में छोटी है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। तीसरा जो रीजन हम यहां पे डिस्कस करते हैं वो रीजन होता है हमारा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। देखिए जब आप वीडियो देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे कि SN1 रिएक्शन में जो मैकेनिज्म हम देते हैं उसमें हम कहते हैं कि यहां पे कार्बोकेटाइन्स फॉर्म होते हैं, कार्बोकेटाइन्स फॉर्म होते हैं, और कार्बोकेटाइन्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है इस तरह से, टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, और हमें पता है कि जो टर्शियरी कार्बोकेटायन जिस एल्काइल हैलाइड की वजह से बनता है वो एल्काइल हैलाइड हमारे होते हैं टर्शियरी, और सेकेंडरी जो बनेगा वो होगा सेकेंडरी, और प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से। और हमें SN1 रिएक्शन के लिए याद है मैंने आपको बताया कि एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, ये होता है टर्शियरी कार्बोकेटायन, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, क्यों, क्योंकि देखिए टर्शियरी एल्काइल हैलाइड से मिलता है टर्शियरी कार्बोकेटायन, वो एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा जिससे हमें स्टेबल इंटरमीडिएट मिलेगा, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट मिलेगा, बात समझ में आ रही है। अब अगर हम ये SN1 रिएक्शन पढ़े क्लोरोबेंजीन में तो यहां क्या होगा, जो क्लोरोबेंजीन में बॉन्ड बना हुआ क्लोरीन और कार्बन के बीच
वो अगर टूट जाए, ये ब्रेक हो जाए, तो यहां पे जो कार्बोकेटायन हमें मिलेगा वो कार्बोकेटायन होगा फिनाइल कार्बोकेटायन। और देखिए फिनाइल कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी नहीं होती, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। और जब ये कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है तो SN1 के लिए ये जो रिएक्टेंट है हमारा, ये जो हेलो बेंजीन है, ये हमारा बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज नहीं होगा। तो ये भी एक रीजन हो जाता है जिसकी वजह से हेलो एरिंग्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो नहीं करते। तीन रीजन यहां पे हो गए। और देखिए फोर्थ रीजन यहां पे जो है, जो हम यहां पे डिस्कस करते हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। कौन सा रीजन होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बेसिस पे हम बताएंगे कि किस तरह से जो हेलोबेंजीन क्लोरोबेंजीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव है। देखिए यहां पे देखिए आप, अब जब हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की, तो देखिए क्लोरोबेंजीन में जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसर स्पेसिस होता है। और जब न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और जब न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां इसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, बहुत ज्यादा रिपल्शन यहां पे होता है। क्यों होते हैं? देखिए आप समझिए, यहां पे जो बेंजीन रिंग है एक्चुअली वो फ्लैट मॉलिक्यूल होता है, यहां आपका हेक्सागन आता है, ये हेक्सागन पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एम्बेडेड रहता है। आप समझ रहे हैं ना, यहां हमारा हेक्सागन है बेंजीन वाला, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऊपर से और नीचे से बेंजीन रिंग को दबा के रखते हैं, यानी कि डिलोकलाइजेशन रहता है अबव एंड बिलो ऑफ द हेक्सागन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हैं, न्यूक्लियोफाइल अगर इसको अटैक करता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो पूरा कंपाउंड है हमारा क्लोरोबेंजीन, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से भी जो हेलो एरिंग्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स लास्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा हेलो एरिंग्स है, क्लोरोबेंजीन है, वो क्लोरोबेंजीन इजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, नॉर्मल कंडीशंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। लेकिन अगर हमें रिएक्शन शो करानी है, रिएक्शन करानी है, इसमें सब्स्टिट्यूशन हमें कराना है, तो फिर हमें यहां पे ड्रास्टिक कंडीशंस लेनी पड़ेगी, ड्रास्टिक कंडीशंस हमें लेनी पड़ेगी, ड्रास्टिक कंडीशंस हमें यूज करनी पड़ेगी, तब जाके जो क्लोरोबेंजीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो जब क्लोरोबेंजीन ड्रास्टिक कंडीशंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो रिएक्शन किस तरह से होती है, एक बात, और दूसरी बात ये कि वो कंडीशंस कौन सी हैं जिन कंडीशंस में क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है, इसकी बात करेंगे। तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह देता है क्लोरोबेंजीन, ये चीजें हमें देखनी है। तो ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने करानी होती है यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, और वो कंडीशंस कौन सी होती हैं, वो कंडीशन देखिए होती है यहां पे टेम्परेचर होता है 623 केल्विन और प्रेशर यहां पे रहता है 300 atm। ठीक है, इन कंडीशंस में क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और ये जनरली कंडीशन वो कंडीशंस होती हैं जो जिन कंडीशंस में ज्यादातर हम रिएक्शन नहीं कराते, यानी कि नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, ये अनकंट्रोलेबल कंडीशंस हैं जिनको हम बहुत सिंपली बहुत इजीली हैंडल नहीं कर पाते। और सेकंड जो यहां पे स्टेप रहेगा, जो कंपाउंड यहां पे बन के आएगा स्टेशन से, उसका एसिडिफिकेशन भी हमें करना होता है, यानी कि एसिडिफिकेशन कैसे करेंगे, किसी भी एसिड के साथ आप इसकी रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, दोनों स्टेप एक साथ यहां पे करेंगे हम। तो
तो क्लोरोबेंजीन यहां पे फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। देखिए OH आयन यहां पे न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, जैसे हमने हेलो एल्केन्स में बात करी है, तो क्लोरोबेंजीन यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरह से दे देता है। लेकिन देखिए ये कंडीशंस बहुत अच्छी कंडीशन नहीं कही जाती किसी रिएक्शन के लिए, तो इन कंडीशंस को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए यहां पे हम कुछ चेंजेस लेके आते हैं इस क्लोरोबेंजीन में। क्या चेंजेस लेके आते हैं, कैसे सोचते हैं? देखिए हमने जो रिएक्शन में प्रॉब्लम लग रही है होने में, वो ये प्रॉब्लम है कि क्लोरोबेंजीन भी इलेक्ट्रॉन डेंसर स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां भी ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, तो ये क्या करते हैं दूसरे को रिपेल करते हैं। न्यूक्लियोफाइल जब तक क्लोरोबेंजीन के पास नहीं आएगा, देखिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, इसके लिए हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग में यानी क्लोरोबेंजीन में इंट्रोड्यूस कराना होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन फील करना पड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करती है क्लोरोबेंजीन, इसके लिए हमने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पे यूज किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पे इंट्रोड्यूस करा देंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्लोरोबेंजीन पे बहुत ज्यादा है, वो समवॉट डिक्रीज हो जाएगी, समवॉट डिक्रीज हो जाएगी, तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी। अब वो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम यहां पे यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हम यूज करेंगे, वैसे तो कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो NO2 ग्रुप की होती है। NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो यहां पे हमने ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया, और NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया तो ये NaOH के साथ जो रिएक्शन हो रही है, अब ये NaOH के साथ रिएक्शन 623 केल्विन 300 एटीएम प्रेशर पे ना होके ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी केवल 443 केल्विन टेम्परेचर पे, बाकी कंडीशन ये रहेंगे, एसिडिफिकेशन हमें कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो इस तरह बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे सोचने वाली समझने वाली बात ये है कि हमने एक NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया, NO2 ग्रुप ने यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, और उन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से रिपल्शन न्यूक्लियोफाइल और क्लोरोबेंजीन के बीच कम हुआ, कम होने की वजह से रिएक्शन में जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी स्मूथ हो गई, ठीक है, समझ आ गई बात। अभी NO2 ग्रुप, एक NO2 ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस कराया, अभी दूसरा NO2 ग्रुप भी अगर हम इंट्रोड्यूस करा दें, वो कहां कराएंगे, देखिए वो हम कराएंगे अब की बार पैरा पोजीशन पे। जब पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पे जो रिएक्शन है वो 368 केल्विन टेम्परेचर पे हो जाती है। अब देखिए यहां टेम्परेचर फिर डिक्रीज हो गया, तो कंडीशंस स्मूथ होती जा रही हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग NO2 ग्रुप इन बेंजीन रिंग, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाती है। अभी जब दो NO2 ग्रुप लगाने से रिएक्शन कंडीशंस में इतनी स्मूथनेस आई है, तो फिर अभी और कार्बन यहां पे बाकी है, देखिए ये कार्बन ऑर्थो वाला बचा हुआ, ये दो कार्बन मेटा वाले बचे हुए, तो यहां भी NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करा के हम देखते हैं। तो जब हम यहां NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, हमने दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई करा दी, और जो पैरा पोजीशन है वो हमने ऑक्यूपाई करा दी, और उसके बाद हम रिएक्शन कराते हैं, तो उसके बाद जब रिएक्शन होती है, तो देखिए रिएक्शन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ती, यहां जो रिएक्शन है वो 323 केल्विन टेम्परेचर पे हो जाती है, 323 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। ये देखिए आप, ठीक है। अभी यहां पे मेटा पोजीशन वाले जो कार्बन है वो भी यहां पे प्रेजेंट है, जो वैकेंट है जहां पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं हम, तो हम मेटा पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करा के देखते हैं, मेटा पोजीशन पे भी अलोंग विद ऑर्थो एंड पैरा कार्बन, अलोंग विद ऑर्थो एंड पैरा कार्बन,
ठीक है, इस तरह से हमने एक मेटा पोजीशन यहां पे ऑक्यूपाई करा दी। तो हम देखते हैं कि रिएक्शन कंडीशंस में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। जिस टेम्परेचर पे यहां इन तीन नाइट्रो ग्रुप के इंट्रोडक्शन पे रिएक्शन हो रही थी, वही अगर मेटा पोजीशन पे भी हमने NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करा लिया तो रिएक्शन हमारी हो जाती है, लेकिन कंडीशंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाने का कोई बेनिफिट हमको नहीं मिलता रिएक्शन कंडीशंस में। तो ऐसा क्यों हुआ? अब बहुत ज्यादा इफेक्टिव ऑर्थो और पैरा वाले NO2 ग्रुप क्यों है? जब मेटा पोजीशन पे हम NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहां पे रिएक्शन क्यों नहीं होती, या रिएक्शन कंडीशंस में स्मूथनेस क्यों नहीं ला पाता मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अगर प्रेजेंट है? तो इसके लिए हम वो रीजन देख लेते हैं। एंड दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ एग्जाम कि जब हम ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं तो रिएक्शन कंडीशंस स्मूथ होती हैं, लेकिन जब मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं तो रिएक्शन कंडीशंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बात हमने समझनी है, और इसको समझने के लिए हमने वापस क्लोरोपेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखने होते हैं। क्लोरोपेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें लिखने होते हैं। देखिए ये है क्लोरोपेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब क्लोरोपेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें कैसे समझ में आता है कि जब ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दैट इज NO2 को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो रिएक्शन कंडीशंस स्मूथ हो जाती हैं, लेकिन वही सेम NO2 ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस किया जाए तो रिएक्शन कंडीशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए होता है, और ये अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन है। आप यहां पे देखें, देखिए जो ऑर्थो पैरा और दूसरा ऑर्थो पोजीशन यहां पे है, इन पोजीशन में आप देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज आपको रिफ्लेक्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज यहां पे शो होता है, नेगेटिव चार्ज यहां पे दिखता है। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहां पे रहता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो ऑर्थो पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसर होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है कंपैरेटिवली मेटा पोजीशन। इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करता है, लेकिन अगर यही NO2 ग्रुप हम मेटा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस कर दें तो आप देखो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज यहां पे नहीं दिखता हमें। तो नेगेटिव चार्ज नहीं दिखता इसका मतलब ये है कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरिजन टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन कम होती है, जिसकी वजह से मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस अगर कराया जाता है तो रिएक्शन कंडीशंस में स्मूथनेस नहीं आती। बात समझ में आ गई? रिएक्शन कंडीशंस में स्मूथनेस नहीं दिखेगी अगर हम मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराएं तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन में कम है, या कहें कि बहुत कम है, है नहीं, यहां पे नेगेटिव चार्ज आपको शो नहीं होता। तो ये रीजन हो जाता है हमारा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो स्मूथनेस आती है कंडीशंस में वो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करने पे आती है, मेटा पोजीशन पे अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो स्मूथनेस नहीं आ पाती। ठीक है, तो ये हैलोबेंजीन यानी कि क्लोरोबेंजीन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बातें हुई। अभी जो हम बात करेंगे वो क्लोरोबेंजीन की या हैलोएलीन की दूसरी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी बात करते हैं क्लोरोबेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हमको पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है रिंग के अंदर, यानी कि जो क्लोराइड आयन यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन सीकिंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग जो स्पीसीज होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और ये यहां रिंग में किसी हाइड्रोजन को जो कि ऑलरेडी क्या है
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, उसको यहां सब्स्टिट्यूट करता है, तो जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन हमारी हो जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए कौन सी रिएक्शन शो करता है क्लोरोबेंजीन या कोई भी हेलोबेंजीन जब हम रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहां पे एक रिएक्शन होती है जो होती है हैलोजिनेशन, और स्पेशली जो हम यहां पे बात करते हैं वो बात करते हैं क्लोरीनेशन की, ठीक है। दूसरी रिएक्शन होती है यहां पे नाइट्रेशन, ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरी रिएक्शन यहां पे हम बात करते हैं सल्फोनेशन, फोर्थ रिएक्शन जो हमारी होती है वो रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट हमारा होता है एल्काइलेशन और दूसरा पार्ट यहां पे होता है एसाइलेशन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो अगर आप यहां पे देखें तो टोटल फाइव रिएक्शंस हैं जो हमें क्लोरोबेंजीन के लिए पढ़नी होती हैं। एक हमारे पास क्लोरीनेशन होता है, एक नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये दोनों रिएक्शन नेम रिएक्शन के पार्ट हैं जो कि हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो वन बाय वन ये रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है और इनकी क्या क्या कंडीशन है वो रिएक्शन हम यहां पर देखते हैं। देखिए जब हम यहां पे क्लोरीनेशन कराते हैं, ये पहले रिएक्शन है, पहले रिएक्शन क्लोरीनेशन जब कराते हैं तो क्लोरीनेशन के लिए क्लोरीन यहां पे लेंगे क्लोरोबेंजीन के साथ और यहां पे एक एनहाइड्रस लुइस एसिड AlCl3 लेते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। प्रिपरेशन अगर आपको याद है HaloAlkanes की तो वहां पे भी हमने इस तरह की बातें करी है, आप ये वीडियो देख लें प्रिपरेशन वाला, उसमें आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से दो प्रोडक्ट मिलते हैं, क्यों मिलते हैं भाई दो प्रोडक्ट और कौन से प्रोडक्ट होते हैं, ये यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है उसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जो ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होता है और यहां ये पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होता है। जो पैरा वाले प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट मेजर होते हैं क्योंकि जब ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच करता है तो इस ग्रुप की वजह से वहां पे स्टेरिक इन्फ्लुएंस आता है, तो यहां फ्रीक्वेंटली वो अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल पे सब्स्टिट्यूशन यहां पे दिखाता है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट माइनर। फिर बता दूं मैं, इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो ऑर्थो पोजिशन पे उतना फ्रिक्वेंटली रिएक्शन नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि यहां पे जो हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है ये बल्की ग्रुप है और ये यहां पे हिंड्रेंस क्रिएट करता है इसके अटैक में, इसलिए ऑर्थो पे जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो माइनर होता है, पैरा पे कोई इस तरह का हिंड्रेंस इलेक्ट्रोफाइल फील नहीं करता, इसलिए जो प्रोडक्ट पैरा वाला होगा वो मेजर होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हुआ हमारी है वो रिएक्शन है यहां पे नाइट्रेशन। क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन हमने लिया, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर देखिए होता है और नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो यहां पे है वो होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रोफाइल है वो इंट्रोड्यूस होता है और ये यहां ऑर्थो पोजीशन पे भी इंट्रोड्यूस होता है और यहां पैरा पोजीशन पे भी इंट्रोड्यूस होता है, तो ये प्रोडक्ट हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट हमेशा मेजर बनेगा पांच की पांच रिएक्शन में, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो होगा हमारा वो माइनर होगा, ठीक है, रीजन सेम है। तीसरी रिएक्शन जो हम यहां पे कराते हैं वो रिएक्शन हमारी होती है सल्फोनेशन। देखिए सल्फोनेशन जो हमारा होता है इसके लिए सल्फोनेटिंग एजेंट कौन सा होता है, सल्फोनेटिंग एजेंट होता है हमारा H2S2O7, इसको हम कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और इसका दूसरा नाम होता है ओलियम, ठीक है। जब ओलियम के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन की तो यहां पे जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H, ये ऑर्थो पोजीशन पे
और यही SO3H ग्रुप यानी कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये माइनर प्रोडक्ट और ये आपका मेजर प्रोडक्ट यहां पे इस तरह से फॉर्म होता है। अभी दो रिएक्शन हमारी रह जाती हैं और दो रिएक्शन कौन सी हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसको एसिटाइलेशन भी कहते हैं। तो देखिए बाकी की दो रिएक्शन यहां पे एल्काइलेशन की बात करेंगे, क्लोरोबेंजीन हमने लेना है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं। यहां पे पर्टिकुलर कंपाउंड अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड हमने लिया और यहां जो रिएजेंट सॉरी कैटलिस्ट रहता है वो हमारा एनहाइड्रस AlCl3 ही रहता है। तो यहां भी दो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं और दो प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, यहां CH3 ऑर्थो पोजीशन पे और यहां CH3 पैरा पोजीशन पे हमको मिलता है। यहां भी सेम जो ये प्रोडक्ट है ये मेजर अमाउंट में मिलता है और जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो माइनर मिलता है। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। इसके बाद एक रिएक्शन और आती है हमारी, जो होती है हमारा एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहां भी क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन अपना लेंगे। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसी भी एसाइल हैलाइड के साथ, यहां पे इसलिए हम स्पेशली हमने एसिटाइल क्लोराइड लिया। रिएक्शन कंडीशंस यही रहती हैं, रिएक्शन कंडीशंस यही रहती हैं। जो प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा हमें वो सेम पैटर्न में मिलेगा, यहां COCH3 और यहां दूसरा प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा पैरा पोजीशन पे COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हमारा रहेगा माइनर प्रोडक्ट और ये पैरा वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पांच की पांच इन रिएक्शंस को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कर लीजिए नोट, लेकिन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी सेकंड रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन है HaloArenes की, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्शन हमारी क्लोरीनेशन, दूसरी नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये पांच रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पे हुआ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अभी एक रिएक्शन हमारी बचती है जो रिएक्शन विद मेटल्स है। इसमें हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक हमारी फिटिंग रिएक्शन होती है और एक हमारी होती है वुर्ट्ज़-फिटिग रिएक्शन। तो चलिए बात करते हैं HaloArenes की थर्ड रिएक्शन की, और थर्ड रिएक्शन यहां पे है रिएक्शन विद मेटल्स। देखिए यहां पे मेटल्स के साथ रिएक्शन जो होगी उसका क्लू भी मैं आपको बताऊंगा, आप याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले आप देखो HaloArenes को अभी एक मिनट के लिए होल्ड करके HaloAlkanes कौन सी रिएक्शन देते हैं, और HaloAlkanes जब रिएक्शन देते हैं मेटल्स के साथ तो यहां पे वुड्स रिएक्शन होती है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में देखिए आप, कोई भी अल्काइल हैलाइड हमारे पास होता है और वो अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। सोडियम मेटल जब भी रिएक्शन में यूज करते हैं, मैंने आपको पहले बताया, वहां सॉल्वेंट ड्राई लेते हैं, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो यहां डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि जितने कार्बन यहां अल्काइल ग्रुप में होंगे उनका डबल हो जाता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला प्रोडक्ट हमको मिलता है। ठीक है, इस तरह से होती है वुड्स रिएक्शन। दो अल्काइल ग्रुप, ये दो अल्काइल ग्रुप आपस में क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, और Cl यहां Na के साथ चला जाता है। जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं, जितने भी कार्बन अल्काइल ग्रुप में वो सब जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन हुई वुड्स रिएक्शन। इसके बाद रिएक्शन जो आती है वो आती है HaloArenes की। HaloArenes की जो रिएक्शन का नाम है वो है आपकी फिटिंग रिएक्शन। अब देखिए फिटिंग रिएक्शन HaloArenes के लिए है, तो यहां पे अल्काइल हैलाइड के प्लेस पे हम क्या लेते हैं? HaloArenes लेते हैं, ये हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं,
ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन कंडीशंस वही हैं, सोडियम और यहां पे आपने लिया ड्राई ईथर, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, यहां पे एल्काइल ग्रुप कंबाइन होके डबल कार्बन, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देते हैं। यहां पे जो फिनाइल है, जो फिनाइल ग्रुप है यहां पे है, वो फिनाइल ग्रुप यहां पे डबल हो जाते हैं, और फिनाइल ग्रुप जब डबल होंगे तो जो प्रोडक्ट हम लिखेंगे, जो प्रोडक्ट हम बोलेंगे, ये प्रोडक्ट होगा हमारा बाईफिनाइल, बाईफिनाइल, ठीक है। तो ये डबल हो गया, ये हो गई हमारी फिटिंग रिएक्शन। अब जो दूसरी रिएक्शन होती है, इससे नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है उसका देखिए जो नेम होता है वो होता है वुर्ट्ज़-फिटिग। यहां आपको क्लू मिलेगा वुर्ट्ज़-फिटिग रिएक्शन। वुर्ट्ज़-फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, देखिए यहां इस रिएक्शन में नाम कंबाइन हुआ है, ये यहां वुर्ट्ज़ और यहां फिटिग, इस रिएक्शन में दोनों नाम एक साथ आ गए। तो इस रिएक्शन में क्या करेंगे हम, इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट लेंगे यहां से और दूसरा रिएक्टेंट हम लेंगे यहां से। अब की बार इस रिएक्शन में एक फिनाइल और एक एल्काइल ग्रुप दोनों कंबाइन हो जाएंगे। देखिए आप यहां पे आप ले लीजिए क्लोरोबेंजीन और इसके साथ आप ले लीजिए मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। मेटल आपका यही सोडियम रहेगा, कंडीशन आपकी वही रहेगी, सॉल्वेंट आपका ड्राई ईथर रहेगा और यहां पे ये मिथाइल इस फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। तो यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा मिथाइल बेंजीन, या जनरली अगर हम कहें तो मिलेगा आपको मिथाइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन या मिथाइल बेंजीन, और ये आपका हो गया NaCl, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाती है हमारी वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। एक रिएक्शन और है जो हैलोएरेंस शो करते हैं, हैलोएल्केन्स में भी हमने रिएक्शन पढ़ी है मेटल के केस में वो, और वो रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यही एक बार देख लीजिए आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा हैलोएरेंस के केस में भी फॉर्म होता है। तो अगर हमने यहां पे लिया क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन और यहां मैग्नीशियम मेटल के साथ हमने रिएक्शन करा दी, यहां भी हमें याद होना चाहिए हैलोबेंजीन के, हैलो एल्केन के केस में हमने क्या लिया था, ड्राई ईथर लिया था। तो यहां पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो और एल्काइल एलाइन के केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता था, ऐसे बनता था, मैग्नीशियम की रिएक्शन होती थी, ड्राई ईथर होता था और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन जो होती थी वो होती थी इस तरह से। ये बना हमारा एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये बना हमारा एजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये हमारा एलिफैटिक यानी कि एल्केन्स के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बस ये बात आप समझ लीजिए। तो यहां इस रिएक्शन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हैलोएरेंस की वो फिनिश हो जाती है। इतनी रिएक्शंस हमने इस चैप्टर में पढ़नी होती है। इस चैप्टर की सारी रिएक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरेंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरेंस, वो सारी रिएक्शंस मैंने यहां पे सारा पूरा का पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर यहां अपने चैनल पे डाला हुआ है। आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। थोरली चैप्टर मैंने यहां पे पढ़ाया है, डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ाया है, हर एक रिएक्शन को समझाने की कोशिश की है। आप गो थ्रू हो जाइए इस चैप्टर की वीडियो से अगर आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है तो, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक वाला बटन भी आप दबा देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आगे जो चैप्टर्स हैं आपके, उन चैप्टर्स के जो वीडियो मैं अपने चैनल पे डालूंगा वो आपको टाइमली मिलते रहे, उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो वीडियोज हैं प्लीज आप इन वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी वीडियोज का पूरा फायदा उठा सकें।